बेचती हूँ, मैं फूल बेचती हूँ, मैं हूँ फूल वाली, ओ जनाबे आली, मैं हूँ फूल वाली। परिचय के मोहताज नहीं, आप सभी लोग जानते भी हैं, हमारे राम भक्त हैं और माला खरीद रहे हैं भगवान के लिए। और देखिए हमारे चाचा भी आ गए, मुनीम जी हैं, चाचा जी दोनों जन को पहनाएंगे, अकेले नहीं, दोनों लोगों को। हाँ सही है, नहीं तो राम जी बुरा मान जाएंगे, नहीं तो लक्ष्मण जी बुरा मान जाएंगे। लोग आ रहे हैं भगवान के दरबार तक में माला पहनाने के लिए। भगवान की हो पूजा या प्यार के सारे होते हैं संदीप। भगवान की हो पूजा सहरा, दुल्हन ने माला डाली, मैं हूँ फूल और हमारी माता पहले ना सोचे, क्योंकि कहा गया किस काम की ये बिंदिया, किस काम का ये कजरा, 16 सिंगार पर है भाई ये एक कजरा, जो ये लगाए साजन को भाए, गोरी हो या काली, मैं हूँ फूल वाली। माली
प्रसाद भैया हैं, 100 रुपए से माला खरीद के भगवान को पहना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डगरिया में माला बना के लाती, मिथिला नगरिया की सकरी डगरिया में माला बना के लाई। मैं माले माला लेके आ गई, जयकारा लगाएंगे। सभी ने भगवान का सम्मान किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। बोले राम जी महाराज की। अब प्रभु पान वाले भी आ रहे हैं शायद पान बेचने के लिए। ये देखिए आ गया। अरे जय किशोरी जी की। और सुनाओ, बढ़िया है। आज का बाजार कैसा चल रहा है? आज का बाजार बड़ा ही सुंदर बाजार है। आज अपने बाजार में प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं, और तुम जितने भी पान लाए हो ना, तो प्रभु के बहुत से भक्त हैं यहाँ पर। लाए नहीं हूँ, मतलब लाए नहीं बालक हूँ। बालिका है, भगवान के दर्शन कराओ उसको। आओ बेटा, रोज आती भी। सुनो भैया, अभी भगवान के गले में माला अर्पण की गई। जैसे कि कोई मेहमान हमारे घर आता है तो खाली मालाओं से स्वागत नहीं किया जाता, उसे कुछ खिलाया भी जाता है। कहीं ऐसा नहीं है कि भैया नेताजी बुलाए और माला डाल के भगा दे। इसलिए जैसे कि कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो माला डाल करके सम्मान किया जाता है और कुछ खिला पिला करके भी उनकी विदाई दी जाती है। तो आज मैं लेके आई हूँ पान। अब देखते हैं कि यहाँ कौन भगवान के भक्त मौजूद हैं जो भगवान को पान का भोग लगाएंगे और मंच पर स्वयं चलकर आएंगे। और दिल्ली बंबई या हो और या हो फिर कलकत्ता, और कहीं मिले ना कहीं मिलेगा और हरे पान का पत्ता। पान खिला दो भगवान को आप। और बबुआ खाता जा एक पान, लो आप भी खिला दो। और बबुआ खाता जा एक पान, पान में बसी हमारी जान के बबुआ। बैठे हुए हैं जो भी भगवान से प्रेम करते हैं, कहते हैं कि भगवान जाने किस रूप में इसको क्या दे दे, तो विलंब ना लगाएं और शीघ्रता से आ जाएं। हमारे जितने भी भाई भगवान को भोग लगाना चाहते हैं वो आए और अपना आलस त्यागे। भैया हो पाने हमारे आकर दिखे, पान हमारा खाकर दिखे, सारा हिंदुस्तान के बबुआ, ए बबुआ।
हम 150 रुपए तो वैसे ही खर्च कर देते हैं, ना व्यर्थ में ही चले जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु राम आपका कहते हैं कि भक्त वैसे भगवान का इंतजार करता है, लेकिन आज भगवान भक्त का इंतजार कर रहे हैं कि भक्त आए और उन्हें भोग लगाए। तो आप विलंब ना लगाएं, शीघ्रता से जल्दी जल्दी आ जाएं। हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो भी आए और भगवान को अपने हाथों से भोग लगाएं। और हमारी जनता जनार्दन जो श्री राम की प्यारी है वो भी आए और भगवान को भोग लगाए। हो पाने हमारा खा कर दीखे सारा हिंदुस्तान की बबुआ की बबुआ खाता जा एक पान। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। छोड़ो ने कहा भगवान से लो लगाओ, कुर्सी ने छोड़ के आओ। जब कुर्सी पे भैया ऐसे बैठ गए कि जैसे कुर्सी ने छोड़ेंगे ही नहीं। आ जाओ भैया, खाली दो ही रह गए और जाको भाग्य वही देगो। तो बस विलंब ना करें और सीखता से आ जाए। Thank you.
कौतुक देख